नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या अदानी ग्रुप पर लगे फ्रॉड के आरोप LIC को भी ले डूबेगा? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड के आरोप लगने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे, क्योंकि अदानी ग्रुप में प्रमोटर के अलावा LIC का सबसे अधिक निवेश बताया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने निवेशकों में भरोसा बनाए रखने के लिए एक बयान जारी किया है। आज मार्केट में अदानी समूह के FPO का सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया। अबुधाबी के एक समूह ने $400 मिलियन का निवेश कर दिया है। क्या इसके पीछे भी कोई राज है? सवाल है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जो आरोप लगाए हैं, क्या सरकार उसकी जांच करेगी? सेबी की तरफ से कोई जांच होगी? अदानी समूह के कुछ शेयरों के दाम में सुधार देखे गए हैं, लेकिन जो गिरावट आई है उसकी रिकवरी अभी दूर नजर आती है। अदानी समूह के शेयरों की खराब हालत को देखकर उसे लोन देने वाले या इक्विटी खरीदने वाले बैंकों और LIC को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। बैंकों और LIC की तरफ से सफाई आ गई है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मगर चिंता की लकीरें यहां वहां दिखाई भी दे रही हैं। क्या LIC अदानी ग्रुप को बचा रहा है, जिसके कारण उसे घाटा हो रहा है? इन आरोपों में कितना दम है, इन सब पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं रविश कुमार ऑफिशियल। हम YouTube पर भी हैं और Facebook पर भी। इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। मिंट अखबार में छपी है। शाइन घोष की खबर में दो वरिष्ठ बैंकरों से बातचीत का ब्यौरा है। इन बैंकरों के नाम नहीं है, ऑफ रिकॉर्ड बयान है। मिंट लिखता है कि दो वरिष्ठ बैंकरों ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके बैंक से जानकारी मांगी है कि अदानी ग्रुप में कितने पैसे लगे हैं। यह पिछले हफ्ते की बात है। इसका मतलब है कि बैंकों ने जो लोन दिए हैं या निवेश किए हैं, उसके डूबने की आशंका को लेकर रिजर्व बैंक भी चिंतित है। शायन घोष की रिपोर्ट में लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बैंकर सतर्क हो गए हैं। भले ही अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण से लेकर फर्जी बताया है, झूठ का पुलिंदा बताया है, लेकिन बाजार के भीतर इसे लेकर कान खड़े हो गए हैं। हिंदी प्रदेश के दर्शकों, क्या आपके अखबारों में ये सब विस्तार से छप रहा है? आप अखबार और चैनल के पैसे देते हैं, आप सिंपल हिसाब समझिए। आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है और आपसे ही पैसा लेकर अखबार और चैनल उसकी खबरें गायब कर दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो क्या ये अच्छा है? गोदी मीडिया से पूछिए कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी समूह पर फ्रॉड के आरोप लगे हैं, उसकी क्या रिपोर्टिंग है? क्या खारिज कर देने से काम हो जाता है? मिंट की रिपोर्ट कह रही है कि बैंक सतर्क हो रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक उनसे पूछ रहा है, फिर ये सारी बातें ऑफ रिकॉर्ड क्यों छप रही हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को ऑन रिकॉर्ड आकर कहना चाहिए कि उसकी चिंताएं क्या हैं, क्यों बैंकों से पूछा जा रहा है। ऑन रिकॉर्ड होगा तो लोगों में ज्यादा भरोसा बनेगा। मार्केट का पैसा डूब रहा है या डूबने वाला है और यहां ऑफ रिकॉर्ड का ड्रामा चल रहा है। अभी तक सेबी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। आज भी शेयर बाजार में अदानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों के दाम गिरे हैं, कुछ कुछ के बढ़े भी हैं। CNBC TV18 से अदानी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगशिंदर सिंह जी ने कहा है कि अदानी ग्रुप भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा से डील करता है। अदानी ग्रुप पर $30 अरब का कर्जा है, जिसमें से $9 अरब का कर्जा भारतीय बैंकों का है। प्रतिशत के हिसाब से भले ही विदेशी संस्थाओं ने अदानी ग्रुप को ज्यादा लोन दिए या किसी और रूप में निवेश किए हैं, लेकिन भारत के सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी इतनी भी मामूली नहीं लगती कि हम फिक्र ही ना करें। खबरें छपी हैं कि पिछले 2-3 सालों से अदानी समूह को दिया गया भारतीय बैंकों का लोन घटता जा रहा है और जीवन बीमा इस ग्रुप के शेयर खरीदता जा रहा है। तो भारतीय बैंकों का लोन कम हुआ, मगर एक भारतीय कंपनी की इसमें हिस्सेदारी बढ़ती चली गई, उसके शेयरों को खरीदती चली गई। क्या इसे किसी पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है कि लोन का हिस्सा कम कर निवेश का हिस्सा बढ़ा दिया जाए? हम इन मामलों के विशेष जानकार तो नहीं है, इसलिए सहज बुद्धि से सवाल कर रहे हैं। वैसे अदानी ग्रुप संकट में आया तो उसे लोन देने वाली विदेशी संस्थाएं भी संकट में आ सकती हैं, और तब यह भारत की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। इन विदेशी संस्थाओं ने इसी भरोसे लोन दिया होगा कि भारत की कंपनी है तो नियम कानून से चलती होगी, कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरह से पहले की कंपनियां बर्बाद हुई हैं, अगर वैसा कुछ हो गया तो क्या भारतीय बैंक या विदेशी संस्थाएं इस झटके को बर्दाश्त कर पाएंगी? क्या इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उनके लोन का हिसाब पूछा है, जिसकी रिपोर्ट मिंट में छपी है? अगर भारतीय बैंकों पर किसी भी तरह का खतरा है तो भारत पर यह हमला
बाहर से नहीं हुआ है, अंदर से हुआ है। क्या इसलिए भी अदानी ग्रुप को अज्ञात तरीके से बचाने की चर्चाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी, मगर तथ्य कभी सामने नहीं आएंगे कि यह सत्य है या झूठ है। अदानी ग्रुप हमेशा ऐसी बातों को गलत बताता रहा है। सवाल है कि अदानी ग्रुप की कंपनी का रिकॉर्ड इस तरह का क्यों है, उसकी साख ऐसी क्यों है कि एक रिपोर्ट भर से शेयरों के दाम चार दिन से गिरते ही चले जा रहे हैं। क्या यह भारत पर भीतर से हमला नहीं है? क्या ऐसी कमजोर कंपनियों के सहारे भारत आर्थिक जगत में अपना सीना फुला रहा है, जो एक रिपोर्ट के आने भर से भारत पर हमला चिल्लाने लग जाती हैं और उनके शेयरों के दाम गिरने लग जाते हैं? डू यू गेट माई पॉइंट? पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके गोयल का मिंट में बयान छपा है कि उनके बैंक ने अदानी ग्रुप को 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज दिए हैं। CNBC टीवी 18 को भारतीय स्टेट बैंक ने भी कहा है कि रिजर्व बैंक जितनी इजाजत देता है उससे बहुत ही कम स्टेट बैंक ने अदानी ग्रुप को लोन दिया है या किसी तरह का निवेश किया है। बैंक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक ने CNBC टीवी 18 से कहा कि अदानी ने जो भी खरीदा है उसमें भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी नहीं है, एक्विजिशन में विदेशी बैंकों या संस्थाओं की है। CNBC टीवी 18 की रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने यह नहीं बताया है कि अदानी ग्रुप पर बैंक का कितना लोन है। हांगकांग के कैपिटल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप CLSA का हवाला देते हुए अखबार ने लिखा है कि अदानी ग्रुप की चोटी की 5 कंपनियों पर 2,00,000 करोड़ से अधिक के उधार हैं। भारतीय बैंकों ने 81,000 करोड़ से ज्यादा के लोन दिए हैं। स्टेट बैंक ने कहा है कि हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। CLSA ने भी कहा है कि भारत के सरकारी बैंकों के लोन की हिस्सेदारी बहुत ही कम है, यानी विशेष चिंता की बात नहीं। भारत के सरकारी बैंक चिंतित नहीं हैं और भारतीय बैंकों ने अपनी क्षमता की सीमा से कम ही लोन दिए हैं। आपको एक पुरानी खबर की याद दिलाना चाहता हूं इसी बात पर। 2011 के साल में इसी तरह एक और रिपोर्ट आई थी, तब विजय माल्या ने भी खंडन कर दिया था। आज विजय माल्या कहां हैं आप जानते हैं? 16 सितंबर 2011 के टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर आप देख लीजिए। उस वक्त कनाडा की एक रिसर्च कंपनी वेरिटास ने इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि किंग फिशर एयरलाइंस अपने रिकॉर्ड ठीक से नहीं बताती है, कंपनी के बही खाते में कई सारी गड़बड़ियां दिखाई पड़ती हैं, अपने कर्जे को यह कंपनी कम बताती है। तब विजय माल्या ने ठीक वही कहा जो आज अदानी ग्रुप ने कहा है, इसे दुर्भावनापूर्ण और सनसनीखेज बताया था। विजय माल्या ने तब भारत पर हमला नहीं कहा था, अदानी ने इसे भारत पर हमला बोला है। अगर उस समय विजय माल्या कनाडा की कंपनी की इस रिसर्च को भारत पर हमला बताते तब क्या होता? आज माल्या फरार हैं, उन्हें सरकार भारत की जेल में डालने के लिए जाने कितने साल से मुकदमा ही लड़ रही है। वेरिटास कंपनी की रिपोर्ट आखिर सही साबित हुई। आज आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए, किंगफिशर नाम की हवाई जहाज कंपनी का अता पता नहीं मिलेगा। विजय माल्या का इतिहास आपके सामने है। भारतीय इतिहास के किस चैप्टर में आप विजय माल्या के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जनाब तो भारत से ही भाग गए हैं। पता चला कि ब्रिटेन के इतिहास के चैप्टर में पढ़ाए जा रहे हैं। ब्रिटेन दावा करने लगा है कि ये आदमी भागकर हमारी कंट्री में आया है, तो ब्रिटेन की हिस्ट्री के चैप्टर में होगा। जब अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर हमला कहा है, तब ऐसे में सेबी नाम की संस्था क्यों चुप है? उसे सार्वजनिक बयान देना चाहिए था। जब बैंक सार्वजनिक रूप से जवाब दे रहे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम ने बयान जारी किया है, तब सेबी क्यों चुप है? एक तरफ सेबी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ खबर आती है कि अडानी के शेयर ज्यादा ना गिरे इसके लिए सर्किट लिमिट को 20% से 10% कर दिया गया है। हिंदी में ऐसे समझिए, सीधे पाताल लोक में ना चले जाएं, इसलिए उसके पहले एक फ्लोर और जोड़ दिया गया है। यानी अब एक दिन में अदानी के शेयर 10% से अधिक नहीं गिरेंगे तो हाहाकार भी कम मचेगा। दुनिया के अमीरों में अदानी तीसरे नंबर पर थे कुछ दिन पहले तक, फोर्ब्स पत्रिका ये सूची बनाती है। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अदानी तीसरे नंबर से 11वें नंबर पर आ गए हैं। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और 2 दिन के भीतर $51 अरब की पूंजी हवा हो जाती है। सोमवार के दिन गिरावट के बाद रॉयटर ने लिखा कि $70 अरब यानी 5,70,000 करोड़ से भी अधिक की पूंजी हवा हो गई। किसी की पूंजी का भाव इतना कम हो जाए, वो भी फ्रॉड के आरोप लगने के बाद, हर तरह से चिंता की बात है। फोर्ब्स की सूची देख रहा था, इसमें आज अदानी और अंबानी आगे पीछे नजर आए।
इसी तरह अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट आती गई तो एक बार फिर से अंबानी उनसे आगे निकल सकते हैं। क्या तब अंबानी पार्टी देंगे और इसे भारत की जीत बताएंगे? भारत पर यह कैसा हमला है कि एक भारतीय अदानी नीचे की तरफ सरकते जा रहे हैं और एक भारतीय अंबानी ऊपर की तरफ उठते नजर आ रहे हैं? यह हमला हो रहा है या झूला झुलाया जा रहा है? आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश अगेन एंड अगेन, यू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। क्या विपक्ष जीवन बीमा और बैंकों की पूंजी को लेकर बेवजह शोर कर रहा है? सीपीएम ने तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को हमेशा ही गलत बताया है, इनका खंडन किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक लंबा बयान जारी किया है और कहा है कि वित्तीय प्रणाली का स्तंभ माने जाने वाले LIC और SBI जैसे वित्तीय संस्थानों के अडानी समूह के साथ उच्चतम स्तर के जोखिमपूर्ण लेन देन का वित्तीय स्थिरता और करोड़ों भारतीयों की बचत राशि पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। एक जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व है कि वह सेबी और RBI से वित्तीय प्रणाली के प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका का प्रभावी रूप से निर्वहन करने और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए इन आरोपों की जांच करने का आग्रह करे। तेलंगाना के IT मंत्री KT Rama Rao ने भी कहा है कि यह सवाल बेहद गंभीर है। क्यों जीवन बीमा का 77,000 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 80,000 करोड़ रुपया अदानी समूह में लगा हुआ है? किसके कहने से ऐसा किया गया? इस पूरे एपिसोड में किसकी भूमिका रही होगी? तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने जून 2021 में सेबी को पत्र लिखा था और कहा था कि अदानी ग्रुप में जिन विदेशी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है वो किनका पैसा है इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है, ना ही उन कंपनियों ने कई सालों में अदानी के स्टॉक में लेन देन किया है। महुआ ने उस समय मांग की थी कि इन कंपनियों के अदानी समूह के साथ रिश्तों की जांच हो, क्योंकि इसका भारतीय बाजार पर काफी असर पड़ेगा। तब सेबी ने कहा था कि इसकी जांच हो रही है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के पत्र और सेबी के जवाब का जिक्र किया है, मगर आज तक किसी को पता नहीं कि सेबी ने जो जांच की उसका क्या नतीजा निकला। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि इस मामले की मॉरिशस में भी जांच हो रही है। जून 2021 के इस पत्र का संदर्भ यह है कि उस वक्त अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों के दाम गिर गए थे। तब सवाल उठा कि ऑफशोर फंड को फायदा हुआ है, उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए हैं। महुआ मोइत्रा ने पूछा था कि कौन है जिसे फायदा हो रहा है। तब सेबी ने जवाब दिया कि जांच चल रही है और अभी किसी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची है। यह खेल तो होता ही है कि एक बार शेयरों के दाम चढ़ाकर गिरा दिए जाते हैं और फायदा कमा लिया जाता है। यही आरोप अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी लगाए हैं। महुआ मोइत्रा ने यही आरोप उस समय लगाया था कि ऑफशोर फंड किसका है जो अदानी ग्रुप के शेयरों के दाम चढ़ाकर और फिर गिराकर फायदा कमा गया। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने 30 जनवरी को फिर से सेबी को पत्र लिखा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सेबी के अलावा यह पत्र वित्त मंत्री, ED, DRI, CBDT को भी लिखा गया है और अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच की मांग की गई है। पैसे को गोल गोल घुमाकर राउंड ट्रिपिंग के जरिए मुनाफा कमाने के आरोप लगाए गए हैं। संदिग्ध विदेशी निवेश के भी आरोप हैं। इन सब की जांच की मांग महुआ मोइत्रा ने अपने पत्र में की है। महुआ ने लिखा है कि क्या कोई सुन भी रहा है या सब शीशे के घर में बंद हो गए हैं जहां आवाज नहीं पहुंच रही है। महुआ मोइत्रा इस पत्र में कह रही हैं कि अदानी समूह ने हिंडनबर्ग को जवाब में कह दिया है कि ये निराधार हैं, झूठे इल्जाम हैं, जिन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। महुआ ने कहा है कि हमें आज तक नहीं पता कि इन स्टॉक का मालिक कौन है, किसे ये फायदा पहुंचाते हैं और इनका इतिहास क्या है। इनका इतिहास क्या है? आज जब देश को सही इतिहास के नाम पर फर्जी इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तब किसे फुर्सत है कि इस तरह के निवेशकों के इतिहास की जांच करें? एक सांसद के तौर पर महुआ मोइत्रा ने इन संदर्भों को लेकर संसद में कई बार सवाल उठाए हैं। 19 जुलाई 2021 को वित्त राज्य मंत्री ने जवाब भी दिया कि सेबी और DRI, हिंदी में राजस्व आसूचना निदेशालय, अदानी समूह की कुछ कंपनियों की जांच कर रहा है। तो उस जांच का क्या नतीजा निकला? 2 साल हो गए, कुछ तो निकलना ही चाहिए और इस वक्त बताना भी चाहिए। इसलिए महुआ मोइत्रा के सवालों को ध्यान से सुनिए। महुआ ने अपने पत्र में कहा है कि अदानी CFO के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि सेबी ने अपनी जांच
खत्म कर ली है, और अगर ऐसा हुआ है तो लग रहा है कि अदानी ग्रुप कोर्ट में जीत गया है और सब इल्जाम खारिज हो चुके हैं या सेबी ने उन्हें बरी कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूं कि कब यह जांच पूरी हुई, क्या बातें सामने निकल कर आई, क्या कार्रवाई हुई है, कोर्ट में क्या भेजा गया है और कब भेजा गया है। अब आपको समझ आ रहा होगा कुछ कुछ, क्या महुआ मोइत्रा ने भी अदानी ग्रुप में निवेश को लेकर पत्र लिखकर भारत पर हमला कर दिया। महुआ ने यह भी पूछा है कि जांच अगर पूरी नहीं हुई तो अदानी ग्रुप को एफपीओ लाने की अनुमति कैसे मिल गई, जिसके जरिए यह समूह निवेशकों से 20,000 करोड़ रुपए मांग रहा है। क्या इसकी जानकारी अदानी ग्रुप ने मार्केट को दी है? तो ये सब सवाल हैं। सेबी इन प्रश्नों के जवाब दे सकती है, देना चाहिए। अब आपको फिर से फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं। 6 अक्टूबर 2021 को पेंडोरा पेपर सीरीज नाम से इंडियन एक्सप्रेस में खबरें छपती हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने उस वक्त लिखा था कि अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी साइप्रस नाम के लघु देश के नागरिक हैं, दुबई में रहते हैं। पेंडोरा रिपोर्ट में विनोद अदानी की कंपनी हिबिस्कस आरी होल्डिंग्स लिमिटेड का नाम आया था। भारत जैसे विश्वगुरु लेवल के देश छोड़कर विनोद अदानी साइप्रस की नागरिकता लेते हैं, रहते दुबई में हैं, यह उनकी मर्जी हो सकती है। उनके बेटे अदानी ग्रुप की एक कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं और अदानी एंटरप्राइजेस के निदेशक हैं। अदानी समूह ने 413 पन्नों के अपने जवाब में कहा है कि विनोद अदानी के पास उनके ग्रुप का कोई पदभार नहीं है और ना ही रोजमर्रा के काम में कोई हस्तक्षेप है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इल्जाम लगाया है कि विनोद अदानी की मॉरिशस में 38 शेल कंपनियां हैं जो अदानी की लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर का लेन देन करती हैं। यहां तक कि अदानी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगिशिंदर रॉबी सिंह जी भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बताए गए हैं। मिंट अखबार ने अपने साक्षात्कार में लिखा है कि जुगिशिंदर ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, इनके पास पीआईओ कार्ड है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड। इससे उनके प्रति मेरा सम्मान और बढ़ गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनके पहले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया का झंडा नहीं था, हमारा प्यारा तिरंगा था। कोई साइप्रस का नागरिक हो जाए या ऑस्ट्रेलिया का हो जाए, कोई एतराज नहीं है मुझे। अब चूंकि अदानी ग्रुप ने भारत पर हमला कहकर राष्ट्रवाद को बीच में ला दिया है, इसलिए ये छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल है कि केवल भारत के खिलाफ हमला कैसे हो गया? अगर भारत के खिलाफ हमला है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमला है। अपना डेटा बचाइए, सारा डेटा रील्स और गाने सुनने में खर्च ना करें, इस तरह के लंबे वीडियो देखा करें, ठहर कर सोचा करें, तब समझ में आएगा कि आपका डिब्बा कैसे गोल हो रहा है। जुगिशिंदर रॉबी सिंह जी ने इतिहास की एक ऐसी व्याख्या कर डाली है कि अब मुझे भी अफसोस हो रहा है कि मैंने केमिस्ट्री में बीए क्यों नहीं किया, बीए मतलब डिप्लोमा क्यों नहीं किया। हम आपको बता दें कि 30 जनवरी को मिंट के स्वराज सिंह धनजल, अनिरुद्ध लस्कर और सतीश जॉन ने जुगिशिंदर सिंह का इंटरव्यू किया है। जुगिशिंदर सिंह अदानी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि आपको इस बात से परेशानी नहीं हुई कि बाजार ने आप पर नहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा किया? जुगिशिंदर सिंह जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं इतिहास का छात्र हूं और पंजाब का हूं, मुझे हैरानी नहीं हुई है। जलियांवाला बाग में केवल एक अंग्रेज था जिसने गोली चलाने के आदेश दिए, उसके बाद भारतीयों ने ही भारतीयों पर गोलियां चला दी, तो मुझे अपने भारतीय नागरिकों के व्यवहार पर अचरज क्यों होगा? नहीं होगा, कोई गोरा आदेश देगा और कुछ भारतीय गोली चला देंगे, इसकी संभावना तो है, मेरे राज्य में हुआ है, हमने उस दिन को याद रखा है। मुझे नहीं पता था कि मेरे और जुगिशिंदर रॉबी सिंह जी में एक समानता भी है, हम दोनों इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। व्हाट ए नाइस थिंग, इतिहास पढ़कर वे मुख्य वित्तीय अधिकारी बन गए, मैं पत्रकार से एंकर और एंकर से अब यूट्यूबर बन गया हूं। उनकी इतिहास की समझ पर तो इतिहास विषय का ही नाम बदलकर, ध्यान से सुने, बकवास रख देना चाहिए। फ्रॉड की रिपोर्ट आने के बाद निवेशक अदानी के शेयर बेच रहे हैं और जुगिशिंदर सिंह बेचने वालों की तुलना उनसे कर रहे हैं जिन्होंने जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में हिंदुस्तानियों पर गोलियां चला दी। चल क्या रहा है इस देश में, इनको ऐसा इतिहास कौन पढ़ा रहा है? शेयर को बेचना अगर डायर के कहने पर गोली चलाने के जैसा है तो बता दीजिए कि क्या शेयर खरीदने के लिए डायर ने ही फायर किया था? आरोप आपकी कंपनी पर लगे हैं, आप उसकी सफाई दीजिए। आपने कहा भी है कि एक एक आरोप झूठ है,
बात है कि अदालत में कुछ साबित तो हुआ नहीं, मामला अदालत में ही नहीं गया तो साबित कैसे होगा? तब होगा जब कोई जांच होगी, पहले जांच होगी फिर चार्जशीट बनेगी, तब तो अदालत में बहस होगी। अगर कोई जांच एजेंसी उनके दफ्तर तक आने में किसी वजह से घबरा रही है तो खुद जाकर उसके अफसरों को ले आइए। ये सब करने के बजाय उल्टा आप कह रहे हैं कि गोरे के आदेश पर कुछ भारतीय गोली चला रहे हैं, लोगों के पैसे डूब रहे हैं और आपको डायर का फायर नजर आ रहा है। अगर अदाणी के शेयर बेचने वालों में कोई संघ का सदस्य निकल गया, बीजेपी का सदस्य निकल गया, तब क्या होगा? जोगिंदर सिंह को यह बात मालूम है क्या होगा? भाई लोगों ने शेयर मार्केट को मुगल गार्डन बना दिया है, जब चाहा नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया। दिस इज वॉट आई हैव ए प्रॉब्लम विथ, नॉट नोइंग हिस्ट्री एंड येट क्लेमिंग टू बी ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। सो ब्रेजन, सवाल है कि अदाणी ग्रुप के साथ साथ LIC का भी निवेश डूबा तो क्या होगा? क्यों LIC को नहीं लगता है कि अभी इतनी बुरी हालत नहीं आई है कि अदाणी के शेयर बेचकर निकला जाए? ट्विटर पर कई लोग जो खुद को ऐसे विषयों के जानकार बताते हैं ये सब सवाल कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी LIC को लेकर सवाल उठा रहे हैं, LIC की तरफ से जवाब आया है। आज भी LIC के शेयरों के दाम में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। इस जवाब में बताया गया है कि 31 दिसंबर 2022 तक अदाणी समूह में भारतीय जीवन बीमा निगम ने 35,915 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसमें इक्विटी भी है और कर्ज भी है। अदाणी समूह की सभी कंपनियों में 30,127 करोड़ की इक्विटी खरीदी गई थी, जिसका मूल्य 27 जनवरी तक 56,142 करोड़ था। भारतीय जीवन बीमा ने जिन कंपनियों में निवेश किया है उनकी क्रेडिट रेटिंग भी डबल है, डबल ए है, और निवेश के नियमों के तहत ही सारा निवेश हुआ है। भारतीय जीवन बीमा की कुल संपत्ति 41,66,000 करोड़ की है। इसके अनुपात में अदाणी ग्रुप में 1% से भी कम पैसा लगा है। इस जवाब से LIC भरोसा देना चाहती है कि अदाणी ग्रुप में 36,000 करोड़ का निवेश उसकी कुल संपत्ति के अनुपात में 1% भी नहीं है, इसलिए चिंता मत कीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि 2 दिनों के भीतर जीवन बीमा के शेयरों के भाव में 22,442 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। LIC ने अदाणी ग्रुप में पैसे क्यों लगाए हैं? यह एक तरह की लूट है। जीवन बीमा के प्रबंध निदेशक राजकुमार का बयान बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है कि अदाणी के FPO में 300 करोड़ का निवेश बोर्ड की मंजूरी के बाद ही किया गया, आगे और निवेश का प्लान नहीं है। 30 जनवरी को रॉयटर को दिए इंटरव्यू में राजकुमार ने कहा है कि इस समय स्थितियां बदल रही हैं, वास्तविक स्थिति क्या है उसे लेकर हम निश्चित नहीं हैं। चूंकि हम बड़े निवेशकों में से हैं इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि सवाल पूछें, और हम 1-2 दिनों के भीतर सवाल पूछेंगे। तो ये बात है, जीवन बीमा भी कह रहा है कि सवाल पूछेंगे, जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर से सवाल पूछेंगे, हम भी सवाल पूछ रहे हैं। क्या इन सवालों और जवाबों की जानकारी आम जनता को दी जाएगी? जीवन बीमा के निदेशक ने कहा है कि लंबे समय की सोचकर आगे चला जाता है, बशर्ते कोई बुरे हालात पैदा ना हो जाएं। इससे ज़्यादा क्या बुरे हालात होंगे जब खबरें छप रही हैं कि जीवन बीमा के शेयरों में भारी गिरावट आई है। 28 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस के संदीप सिंह ने लिखा कि अदाणी समूह में सबसे बड़ा निवेश भारतीय जीवन बीमा का है। इस कंपनी में उसके निवेश का मूल्य 72,193 करोड़ से घटकर 55,565 करोड़ का हो गया। 2 दिनों में 22% की गिरावट हो गई। यही नहीं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अपने शेयरों के दाम भी 2 दिनों में 5.2% गिरे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में जीवन बीमा के घाटे को 18,000 से लेकर 24,000 करोड़ तक का बताया गया है। यह भी पुराना आंकड़ा है, पिछले 2 दिनों का की गिरावट का इसमें हिसाब शामिल नहीं है। आखिर भारतीय जीवन बीमा निगम ही क्यों अदाणी ग्रुप में सबसे बड़ा निवेशक है? क्या अदाणी ग्रुप में निवेश की समझ केवल LIC के पास ही है, दूसरे निवेशकों के पास ये समझ नहीं है? आज अदाणी ग्रुप के साथ साथ सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनी में LIC भी है। उसे वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर्स कहा जा रहा है। शेयर बाजार में शेयरों के दाम गिरते चढ़ते रहते हैं, मगर एक कंपनी के रिसर्च पर भारत की इतनी बड़ी कंपनी के शेयरों के दाम इस तरह गिरने लग जाएं, यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर यह रिपोर्ट नहीं आती तो बाजार में ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था कि अदाणी ग्रुप के शेयरों के भाव में कई लाख करोड़ की गिरावट आ जाती। कुछ दिनों तक बजट की चर्चा होगी, इस चर्चा की आंधी में यह मामला
किसी सूखे पत्ते की तरह उड़कर किनारे लग जाएगा। हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग से जो कमाना था कमा लिया होगा, लेकिन जो आरोप सबके सामने रख दिए गए हैं उसका सामना इतना बड़ा देश क्या इस तरह से किनारे लगाकर करेगा या सामने आकर जांच करेगा और सवालों के जवाब ढूंढेगा, आपको बताएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।